हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज हम फिर आपके लिए एक अच्छी खबर लेके हाजिर हुए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के लिए 62,907 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्टिवेट हो चुकी है। आवेदन की जो डेट्स दी है वो 10 फरवरी 2018 से 12 मार्च 2018 के रात को 12 बजे तक खुला रहेगा। ऑनलाइन जो भुगतान आपको करना है वो नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी से भी कर सकते हैं। वो 12 मार्च 2018 के रात को 10 बजे तक कर सकते हैं। एसबीआई का चालान 12 मार्च 2018 के 1 बजे दोपहर तक आप जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का चालान 10 मार्च 2018 के 1 बजे तक कर सकते हैं। वेतनमान ये जो 7 पे कमीशन है इसके हिसाब से पे मेट्रिक्स का जो लेवल 1 है उसका यह जॉब है 18,000 रुपये इसमें तनख्वाह और दूसरे 32 है। शैक्षणिक योग्यता इसमें जनरल योग्यता आप मान सकते हैं कि 10th पास होना चाहिए, बट उसके अलावा जैसी जैसी उसकी जॉब की ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग कुछ आईटीआई वगैरह या छोटे डिप्लोमाज और वो भी मांगे गए हैं। तो वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट आपका जिसके लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं उसके लिए देख सकते हैं। इसमें आयु का जो दिया है वो 18 से लेकर 31 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए और उसका बेस माना गया है 1 जुलाई 2018 को। ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। उसी तरीके से ये जो परमानेंट डिसेबल और दूसरी जरूरत पोस्ट है उनके लिए भी अलग से दिया हुआ है। आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी के लिए 500 रखा गया है और जो रिजर्व जो जिस भी के किसी भी ब्लैक कैटेगरी में ओबीसी के अलावा जिसमें भी रिजर्व है उनके लिए 250 रखा गया है। तो ये था इसका डिटेल। बाकी जो बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको एक लिंक नजर आएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी खुल जाएगा, उसमें आपको पूरे और डिटेल आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी अच्छी खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।